सेट्स के लिए हमारे पास आज का क्वेश्चन है, एक समषष्ठभुज बनाओ एबी रेखा पर, दी हुई रेखा एबी पर समषष्ठभुज बनाओ विशेष रीति से। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सब देख लेते हैं। ये एबी रेखा दी हुई है, हमने इसमें समषष्ठभुज बनाना है। इस समषष्ठभुज में ये जो अंतः कोण होता है ये 120 डिग्री का होता है, जबकि इसका बाह्य कोण, जो बाह्य कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास समषष्ठभुज, स्टार्ट करते हैं। बेस लाइन एबी रेखा हमारे पास दी हुई है, तो उसके बाद ए बी के बराबर हमने प्रकार खोल लिए और चाप लगा दी। बी से उतनी प्रकार खोल के ये ए तक ही है और ये चाप लगा दी। जहां ये कटती है वहां पे हमने रख दिया बिंदु सी। सी से प्रकार खोलना है बिंदु ए तक या फिर बिंदु बी तक। ये देखिए हमारे पास बी पे भी हमारे पास आ रहा है और इसी तरह से ए पे भी आ रहा है। और हमने इसको डॉटेड में इस सर्कल को लगा देना। क्रिया की रेखा है, रचना की रेखाएं जितनी भी होंगी या चाप होंगी वो हमारे पास सभी डॉटेड में ही आएंगे। तो हमारे पास बी से ऊपर की तरफ चाप लगाए, ये आ गया हमारे पास डी बिंदु, डी के बाद और ऊपर की तरफ काट दिया, ये आ गया ई बिंदु। ध्यान रहे जहां ये काट रहे हैं मैं थोड़ा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं, फ्री हैंड कोई काम नहीं करना है, सारी चीज सारी चाप आपकी प्रकार से या फिर जो लाइनें होंगी वो आपकी स्केल से लगेंगी। ई के बाद एफ बिंदु आया, एफ के बाद जी बिंदु, जी से हम आगे की तरफ नापेंगे तो ये हमारे पास बी तक ही आएगा, अर्थात हमारी समषष्ठभुज सही बनी है। तो हम इसको जितने भी पॉइंट्स आए हैं एफ बिंदु जी बिंदु इनको मिला देते हैं आपस में, यागी हमारे पास समषष्ठभुज। इसके कोण को भी हम नाप सकते हैं, इसके सभी कोण जितने भी ये कोण बने हुए हैं ये हमारे पास, ये भी सारे कोण हमारे पास 130 डिग्री के होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि अंतः कोण हमारे पास क्या 120 ही आया। कोण बिंदु भी हमने सेंटर रख दिया है और जीरो, ये 90, 110 और ये 120, ये हमारे पास 120 ही आया। तो ये सारे के सारे कोण जितने भी हैं ये 120 होंगे। ये भी जिस कोण को हमने नापना होता है उसके ऊपर हमने रखना होता है इसका केंद्र, जो हमारे पास 90 वाली रेखा होती है उसको रखा कोण बिंदु पे, जीरो पे जीरो वाली रेखा रखी, जहां लाइन है वहां से जीरो स्टार्ट होता है और ये 90, 100, 120 और ये 120 है ये सारे के सारे कोण। और बाह्य जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा, एक सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये समषष्ठभुज है प्रकार द्वारा विशेष रीति से बनी हुई। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।